आज आपके समक्ष जैसा कि क्रम चल रहा है, राशियों के स्वभाव के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। उसमें व्यवहारता में एक प्रसन्नता रहती है, विरोध नहीं होता है, और सोच समझ के व्यवहार करना चाहिए। जैसी राशि होती है उसका क्या स्वभाव होता है, ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपका प्रेम अक्षुण बना रहेगा। उसी क्रम में आज कर्क राशि का वर्णन करने जा रहा हूँ। कर्क राशि यह राशियों की श्रृंखला में चौथी राशि है। हृदय में इसका स्थान होता है। कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा होता है। वो कर्क राशि का जब स्वामी चंद्रमा होता है तो चंद्रमा जैसा होता है, और कर्क राशि का जो स्वभाव कैसा होता है, कर्क राशि का जो प्राकृतिक चिन्ह है वो केकड़ा होता है। कर्क यानी केकड़ा। केकड़ा जो होता है वो आपने देखा होगा कि एकदम उसके दोनों पैर इस तरफ रहते, इस तरफ रहते, आगे भी रहते, पीछे भी रहते, यानी चारों तरफ घूम करके अगर पीछे मुड़ के अगर चलना चाहता है तो मुड़ेगा नहीं, यूँ नहीं मुड़ेगा, सीधा सीधा पीछे के पीछे हो जाएगा, आगे चलना है तो आगे हो जाएगा, इस साइड से जाना है तो इस साइड से चला जाएगा, मतलब उसको मुड़ने की जरूरत नहीं है। उसके चारों तरफ जो है तो पैर रहते हैं, वो जहाँ चाहे उस तरफ चलते हैं। ये उसके स्वभाव और प्राकृतिक रूप से उसका शरीर का निशान माना जाता है। तो कर्क राशि यानी केकड़ा, कर्क यानी संस्कृत में कर्क को केकड़ा बोलते हैं। केकड़े का स्वभाव क्या होता है कि वो हमेशा सतत उद्योगी रहता है, व्यवसाय हमेशा चलायमान रहता है, वो हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहता है, उस लक्ष्य को हमेशा खोज में बना रहता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतत प्रयास रत्न रहता है। इसी प्रकार से कर्क राशि वाले व्यक्ति भी एक कोई कार्य नहीं करते, संतुष्टि नहीं मिलती उनको। जब तक एक दो कार्यों में आय के स्रोत ना हो तो उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। जॉब भी अगर कर रहे हैं तो साइट में व्यवसाय करेंगे, यानी कुछ ना कुछ आय के स्रोत एक दो जैसे होते ही है। कर्क राशि वाले आप स्वयं समझ लो तो अपने आप महसूस हो जाएगा। दूसरा, इनके अंदर एक गति होती है, 24 घंटे कार्य करा लो, मतलब उनको थकावट नहीं है, आय के स्रोत बने रहे तो फिर थकावट नहीं है, और अच्छे ब्रिलियंट दिमाग के होते हैं, दिमाग उनका तेज रहता है। प्रेम संबंध इनके लिए ज़्यादा प्रिय होते हैं, जहाँ तक है ये प्रेमानु स्वभाव के स्वयं हैं, और संबंध भी ये प्रेम संबंध ही करते हैं अधिकांश, बहुतेरे करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सभी करते हों, लेकिन अधिकांश प्रेम संबंधों में विश्वास करते हैं। अगर नहीं, कहीं ना कहीं गुप्त रूप से भी इनके संबंध बने रहना, ये उनके स्वभाव में होता है, प्राकृतिक रूप से। इसका स्वामी जो है तो चंद्रमा होता है। चंद्रमा कैसा है? चंद्रमा ठंडा, एकदम ठंडा है। वो केकड़ा कहाँ रहता है? ठंडा ही में रहता है। जो जैसा उसका स्वभाव है चंद्रमा का, वैसे ही वो ठंडा होता है। ये भी ठंडा है, कर्क राशि भी ठंडी राशि होती है, इसलिए इनको जो है तो हमेशा चंद्रमा एकदम चंचल होता है, चपल होता है, स्थिर नहीं, अस्थिर बना रहता है, भ्रमणप्रिय रहना, हमेशा भ्रमणप्रिय रहता है चंद्रमा। मन का कार्य कर, मन जो है तो बहुत तेज चलता है, ऐसे ही जो है तो ये कर्क राशि वाले भी तेज चलने वाले, तेज मतलब कमाई के अंदर कोई भी कार्य करना है उसमें एकदम तीव्रता रखेंगे, आलस्य नहीं करते हैं ये, बस लाभ मिलना चाहिए। एक कमी है इनके अंदर, अपनी प्रशंसा सुन खूब ही प्रसन्न होए, बिकली पथ चिंतन में मन को रमाता है,
होता कद मध्यम और कंधे छोटे जाके गोल मोल चेहरा लघु आंखें घुमाता है। लोक हितकारी शांत सहनशील भारी मुख्य तत्व ज्ञाता वह ज्ञान को जमाता है। जन्मा जो कर्क लग्न राशि पद चंद्रमा का गुण गौरव स्वभाव अरुण पूरा समाता है। इनकी प्रशंसा अगर कर दो तो आप इनसे कुछ भी खर्च करा दो। प्रशंसा सुनने में बड़े प्रवीण होते हैं, हृदय के साफ होते हैं, मतलब छल कपट प्रपंच व्यवहार इनके अंदर बिल्कुल नहीं रहता। बस यह है कि आय के स्रोत होना चाहिए, छल बिल्कुल नहीं करेंगे। आय होती रहे तो आपसे बने रहेंगे, आय नहीं है तो आपसे कोई जरूरी नहीं है बनना। और आय के लिए ऐसे रिस्क ले लेते हैं, इतनी बड़ी रिस्क ले लेते हैं कि उनको ये परवाह नहीं इसका परिणाम क्या होगा। और किसी के भी उत्साह में आकर के कून पड़ते हैं। ये किसी ने कहा ये पुस्तक बेचने में अच्छा पैसा मिलता है, तो सारा काम छोड़ छाड़ करके पुस्तक में भी जाए तो लाख दो लाख रुपए लगा देंगे, पुस्तक का धंधा करने लगेंगे। एक तो चल ही रहा है, दूसरा पुस्तक में लगा देंगे। हैं, किसी ने कहा कि ये इस वस्तु में ज़्यादा लाभ मिलने का है, बनाई हुआ ठगा जाए वो, लेकिन वो अपना पूरा जो है सो प्रयास करके ही रहते हैं, ऐसा है इनका स्वभाव में। तो इनकी प्रशंसा करने में ही प्रसन्न होते हैं, इनसे कुछ भी खींच दो। पति पत्नी के व्यवहार में मैं आपसे बता देता हूँ, अगर किसी पति का या पत्नी का स्वभाव कर्क राशि का है तो उससे आप प्रेम का व्यवहार रखे रहें, आपका मधुर संबंध बने रहेंगे। और दूसरा इनकी एक कमजोरी भी है, कमजोरी विश्वास है, अच्छा विश्वास कर लेना। जिसने जो बात कह दी उस पर पूरा विश्वास कर देते हैं। जैसे आपने कहा है कल अपन को फिल्म जाना है, तो कल फिल्म जाने के लिए जो टाइम देखते रहेंगे कि अगर 12 बजे का टाइम फिल्म जाने का है, अगर फिल्म नहीं गए आपका कितना ही काम बिगड़ जाए, अगर आपको जाना ही चाहिए और नहीं गए तो समझ लो आपको एकदम से घर घाम में हो जाएगा आपका। इसलिए जो कह दो उसको करो, क्योंकि वो विश्वास कर लेते हैं, ये विश्वास के महापात्र होते हैं, ये ध्यान रखना। और दूसरी इनके अंदर क्या है, क्षण ही रुष्टा, क्षण ही तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षण ही क्षण। एक क्षण में रुष्ट हो जाना, दूसरे क्षण संतुष्ट हो जाना, ये इनके स्वभाव में होता है। तो इस प्रकार से क्षण क्षण में एकदम परिवर्तन कर लेना। अच्छा, कर्क राशि जो है वो चर राशि है। चर राशि का तात्पर्य होता है हमेशा चलायमान रहना, स्थिर बैठते नहीं है, एक्टिंग से बात करते हैं, खड़े खड़े बात करेंगे, स्थिर बैठ कर कोई काम नहीं करते हैं ये, इनको चलायमान काम हो तो बहुत ज़्यादा कर देते हैं। और दूसरा जल तत्व की राशि है, तत्व जल, जल यानी ठंडा, ठंडी राशि है। इनके शरीर में प्राकृतिक रूप से ठंडाई रहती है, गर्म रहती है। जो अग्नि तत्व के होते हैं उनका शरीर प्रायः गर्म रहता है, और जो जल तत्व के होते हैं उनका शरीर प्रायः ठंडा रहता है। ये आप जो है तो बारीकी से देखेंगे तो आप अब महसूस करने लगेंगे। तो ये इस प्रकार से इनका तत्व ठंडा है, जल तत्व का है, और जल जो है वो स्थिर एक जगह टिका हुआ रहता है तो उसमें मच्छर कीटाणु बढ़ जाते हैं, गंदा हो जाता है। और जल बहता हुआ है वो पानी पीने योग्य रहता है, तो बहता हुआ जल जितने चलायमान रहते हैं उतना इनका व्यवहार अच्छा रहता है। और एक स्थिर बैठ करके कोई कार्य करेंगे तो व्यवहार गड़बड़ होने लगता है, इसलिए चलायमान रहने में इनका भला होता है और इनका पहिया कभी बंद नहीं होता है। ये कर्क राशि का स्वभाव बताया। और कर्क राशि का जो चिन्ह है वो केकड़ा होता है, केकड़े का क्या स्वभाव है वो मैं आपको दर्शाया। और इनका जो शरीर है वो कैसा होता है, बेढब शरीर होता है, एक शरीर का सुडोल शरीर नहीं होता है। कहीं पैर मोटे हैं तो ये इतना भाग जो है सो थोड़ा सा दुबला रहेगा, नहीं ये भाग लंबा चौड़ा रहेगा तो पैर पतले पतले रहेंगे, नहीं कहीं ना कहीं बेढब शरीर के होते हैं। इनके शरीर का एकदम जैसे केकड़ा होता है ना, आपने देखा वो बेढब शरीर का होता है,
कहीं उसके पैर पतले रहेंगे और ये धड़ भाग मोटा होगा, ऐसे इसी प्रकार कर्क राशि वालों का भी यही स्वभाव होता है प्राकृतिक रूप से। तो ये स्वभाव का चिन्ह कर्क राशि वालों को हमेशा प्रशंसा करते हुए अपना हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।